छत्तीसगढ़ इतिहास से टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, चाहे आप पीएससी की तैयारी करें चाहे व्यापम की। पीएससी और व्यापम की अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ के इतिहास से 15 से 20 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास कल का देख चुके हैं, मध्यकालीन भी देख चुके हैं, आधुनिक भी देख चुके हैं, आज हम देखेंगे इतिहास से, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रही बात व्यापम में, हॉस्टल वार्डन एडीओ वैकेंसी आएगी या कब आएगी इसका इंतज़ार ना करें, आपको तैयारी करके रखना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। बस्तर के छिंदक नागवंशी नरेश को कलचुरी राजा जाजल्यदेव प्रथम ने पराजित किया था। किसे पराजित किया था, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा सोमेश्वर देव। ठीक है, कौन है, सोमेश्वर देव। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, चाहे पीएससी की तैयारी करें, व्यापम की, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में आपके छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड है, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था। तो आप सभी को मालूम होगा किसने फहराया था, तो ये आपका ठाकुर प्यारे लाल सिंह है। सेकंड आपका आ जाएगा कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा आपका वामाराव लाखे, ये आपका आंसर सी है। ठीक है, कौन सा होगा, आंसर सी। डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा आपका वामाराव लाखे ने फहराया था, जो कि छत्तीसगढ़ अंचल में सहकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सरकारी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, आप बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 1920 में बीएनसी मिल मजदूर जो कि हड़ताल में सफल नेतृत्व किसने किया था, तो आप सभी को मालूम होगा इसका आंसर आपका ये, देखिए मैं आपको बताया था ठाकुर प्यारे लाल सिंह, मैं डिटेल आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए, 37 दिनों तक चली यह हड़ताल, कितने दिनों तक एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तब कितने दिन बताएंगे, टोटल 37 दिन, जो कि मिल मजदूर आंदोलन के इतिहास में सबसे लंबी और सफल हड़ताल मानी जाती है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी मिल मजदूर आंदोलन कितने दिनों तक चली थी, तो आप बताएंगे टोटल 37 दिनों तक। इसके बाद है छत्तीसगढ़ में, आंसर क्या है बेटा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर सी होगा, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पंडित वामाराव लाखे ने किस वर्ष रायपुर को ऑपरेटिंग सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है, 1913, जितने लोगों ने कमेंट किया है बिल्कुल सही है। डिटेल देख लीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पंडित वामाराव लाखे ने 1913 में रायपुर को ऑपरेटिंग सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी। आप देखिए इसका आंसर क्या है, कमेंट करके बताइएगा कि कलचुरी और मराठा के प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है, राजिम, आरंग, रतनपुर या सिरपुर। जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें बच्चों, 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। चलिए अब आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। बिल्कुल सही आंसर है, आंसर सी, रतनपुर। कितने लोगों का आया है रतनपुर, कमेंट करना स्टार्ट करें। हाँ, कलचुरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी है ना, वो आपको गौरव रतनपुर को प्राप्त हुआ था। डिटेल देख लीजिएगा, जो कलचुरी और मराठा की प्राचीन राजधानी का गौरव रतनपुर को प्राप्त हुआ है, जिसकी आरंभिक राजधानी तुम्मान थी। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछता है, जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के पराक्रमी वीर कचना ध्रुवा किस जमींदार के अंतर्गत है, तो आपका आंसर डी होगा, बिल्कुल सही है, बिंद्रा नवागढ़। ठीक है, बिंद्रा नवागढ़ है ना, ध्यान से समझिएगा,
उसके बाद देखेंगे टोटल 7 क्वेश्चन है कि किस काकती नरेश के समय बस्तर राज्य 1780 ईस्वी में भोसल अधीन का राज्य बन गया था, दरिया देव। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जो दरिया देव काकती नरेश के समय जो 1780 में भोसलों के अधीन करत राज्य बना था। अब बताइएगा कि प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किस राजवंशी नरेश से हुआ था। जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। बिल्कुल सही आंसर डी, काकती नरेश अन्नम देव के साथ। ठीक है, कौन है? अन्नम देव। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता श्यामलाल सोम का जन्म किस वर्ष में हुआ। जो श्यामलाल है ना, उसका जन्म किस वर्ष में हुआ है, तो 1903, 4, 5 या कितना है, जल्दी से कमेंट कर बताइए। अच्छा है, बिल्कुल आंसर 1905 में। ठीक है, 1905 में बंग बंग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और ये भी उसका जन्म हुआ था। बस्तर के छिंदक नागवंशी के प्रथम राजा का नाम क्या था, निपति भूषण, धारावर्ष, मधुराक्ता या सोमेश्वर देव। तो इसका आंसर बिल्कुल ए होगा, जो कि छिंदक नागवंशी के प्रथम राजा निपति भूषण के इस वंश की भोगवती पूरी थी। ठीक है, आप बताइएगा कि 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने किस छत्तीसगढ़ के वीर नायक को फांसी पर लटका दिया गया था। तो आप सभी को मालूम होगा, शहीद वीर नारायण सिंह जी। ठीक है, कौन? ए सॉरी, शहीद गेंद सिंह जी ना, ये आपका सी होगा, गेंद सिंह, गेंदा नहीं है, गेंद सिंह है। ठीक है, वो शहीद गेंद सिंह है। मड़वा महल एवं भोरम जो किस वंश के कला के हैं, तो आप सभी को मालूम होगा मड़वा महल फणी नागवंश से। डिटेल देख लीजिएगा, जो दूल्हा देव है ना, उसको दूल्हा देव भी कहा जाता है। जो मड़वा महल में भोरम देव फणी नागवंश की जो कला है उसी के लिए। और 1910 की महान क्रांति, जो 1910 में महान क्रांति भूमकाल का विद्रोह सूत्रधार माने जाते हैं। कौन है भूमकाल का विद्रोह, दलगंजन सिंह, निरंजन सिंह, कालेंद्र या महिपाल देव। बिल्कुल आंसर सही है, आंसर सी। ठीक है, जो कि आपके कालेंद्र सिंह है। कौन है? कालेंद्र सिंह। ध्यान से समझिएगा, 1910 में महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार कालेंद्र सिंह, ये बस्तर के सबसे महत्वपूर्ण व्यापक विद्रोह था। कौन सा? व्यापक। आप बताइएगा कि मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया था, परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है। बिल्कुल आंसर सही दिया है, इसका आंसर सी होगा, कम विजदार। वेरी गुड, जितने लोगों का आंसर आया है, वेरी गुड। इसका आंसर आप लोग बताइए कि ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 साथियों को भारतीय सिपाहियों के साथ विद्रोह किया था। जल्दी से बताइए, बिल्कुल आंसर सही है, 18 जनवरी 1858। याद रखिएगा, 18-18-18 में ये आपका हुआ था, 18-18-58 में। ठीक है, 17 सिपाहियों के साथ ना सिरिवल की हत्या की थी। प्रसिद्ध सोना खान जमींदार किसके तहसील में थी, तो बताइएगा, जो आप हमेशा याद रखिएगा, सोना खान यानी कि वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह। ठीक है ना, कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपका बलौदा बाजार। दक्षिण कौशल में कलचोरी के समकालीन बस्तर का कौन सा राजवंश था, जल्दी से बताइए, इसका आंसर भी होगा ना, वेरी गुड। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह, आप सभी को मालूम है 1910 भूमकाल विद्रोह कब हुआ था, 1910। बिल्कुल आंसर सही होगा ए। प्रसिद्ध देखिए, जो कालेंद्र सिंह है ना, वो आपके नेतृत्व में था छत्तीसगढ़ का भूमकाल विद्रोह। किस राजा के समय जगदलपुर के टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का सर बनाया था, जल्दी से कमेंट करने स्टार्ट करें। बिल्कुल सही है बी, रुद्र प्रताप देव है ना। देखिए, मैं कल आपको आधुनिक इतिहास क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर आपने चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, जो टाउन प्लानिंग की थी चौराहों का सर बनाया था, किसने? रुद्र प्रताप देव ने। बिल्कुल, मैं आपको आधुनिक इतिहास का क्लास कराऊंगा कल से, आज आपका इतिहास क्वेश्चन देखेंगे। बिलासपुर के सोमवंशी शासक पराजित किस वंश ने शासन स्थापित किया था, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिया नंबर 1 है ना। विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा जिले की किस गुफा से प्राप्त होता है, रानी गुफा, सीता गुफा, जोगी मारा गुफा या फिर आपको उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सी, ए बी, एक मिनट ना, बी सीता गुफा होगा, सीता गुफा है ना, बिल्कुल राइट है।
ध्यान से समझिएगा। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा जिले की सीता गुफा से प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में वनवास के दौरान राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ रुके थे। कहाँ? विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला सरगुजा जिले में, जिसे सीता बेगरा के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भोसले शासक का कार्यकाल, बिल्कुल आंसर आइएगा, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। 1758 से 70, 1758 से 87, 1758 से 18 या 1818 से 1830। 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, फटाक से कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग व्यापम पीएससी सही तैयारी कर रहे हैं, बेवकूफों की तरह नहीं बैठे हैं, तो कमेंट कीजिए, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, एग्ज़ाम कभी भी हो आपको तैयारी करके रखना है। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम कल हो गया और आपको आंसर ही पता नहीं है, तो क्या करोगे? फिर दिक्कत होगा, हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में भोसले शासन का कार्यकाल कितना है, कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, है ना। बेवकूफों की तरह ना बैठो, अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करो, डिटेल पढ़ते जाओ, है ना। मैं आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर 50-50 एफसीक्यू करा रहा हूँ डेली, यानी कि अगर आप हमारे चैनल पर डेली बने रहते हैं तो टोटल 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कराया जाता है, अगर एक महीने तैयारी कर लेते हैं, कितने? एक महीने मात्र। तो एक महीने में कितने दिन होता है? 30 दिन। 28 से 30 दिन के बीच में होता है, ये आपको फरवरी में होता है। तो देखिए 30 से 31 दिन अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं एक महीने मात्र, तो आपको कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 50 गुणा 30, है ना। तो 30 शून्य 0 और 5 के 15, यानी कि 1500 क्वेश्चन अगर आप डेली एक महीने तैयारी कर लेते हैं, तो 1500 क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर लेते हैं, तो आपका 15 में 13 नंबर कहीं नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूँ, 13 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर 20 नंबर का आता है, तो आपका 15 से 18 नंबर कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कितने लोगों का आया है? बिल्कुल सही है, बी। 1758 से 87, अरे बेवकूफ, देखिए 1758 से 87 ईस्वी में लिया गया था। कौन? भोसले बोल रहा हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा क्या? इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार, एक मिनट ना, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कौन था? मार्कसन, कैमलन या स्लीमन या फिर क्रैप्टन? तो बिल्कुल आंसर ए है, हाँ, कमांडर कैप्टन मार्कसन। इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? बिल्कुल आंसर सही आना चाहिए ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ अब, हाँ। एसआई की तैयारी चल रही है बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टेस्ट के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही है, टेस्ट दिलाते जाइएगा डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्या है कई बच्चे, हाँ बिल्कुल, कई बच्चे क्या करते हैं कि आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, उनको समझ में नहीं आता, है ना। हाँ, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखो। कई बच्चे कैसे करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देख लेंगे और सर आपका वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे पढ़ो तो सही, हैं, यहाँ पर 30 मिनट का वीडियो बन रहा है और आप लोग 5 से 10 मिनट वीडियो देखते हो और बोलते हो कि सर मेरा तैयारी हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो। आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा, या फिर 5 से 10 मिनट वीडियो देखोगे तब फ़ायदा मिलेगा, कमेंट करके बताओ तो। हाँ, कमेंट करके बताओ कि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना चाहोगे या 5 से 10 मिनट। कई बच्चे 2 से 3 मिनट देख लेते हैं और बोलते हैं सर टेस्ट, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो ना भाई। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर 2 से 3 मिनट में पढ़ लिया हूँ, ऐसा कोई करता है क्या बेवकूफों की तरह, हैं? 2 से 3 वीडियो देखने से हो जाएगा आपका सिलेक्शन? मैं क्या बोला हूँ उस दिन, एक महीने की रणनीति बना लीजिएगा। मैं डेली क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बीच बीच में कमेंट करके पूछते हो, हैं, आपको अच्छा लगता है? इसका आंसर क्या आएगा? रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? 1922 में नहीं हुआ था क्या?
बी होगा। छत्तीसगढ़ के किस नगर की तुलना कुबेर से की गई? बिल्कुल सही है आंसर, एक मिनट ना, आंसर बी रतनपुर। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिले में है? बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1910 में, जब भूमकाल विद्रोह हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग, ये हेनसांग नहीं है, युआन सांग है, युआन चांग, ये आपके राज्य में कब आया था? सी में, बिल्कुल सही है, पांडु राजवंश। स्वतंत्रता संग्राम के सुरेंद्र शाह के कहाँ के जमींदार थे? सुरेंद्र शाह, जल्दी से बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही है, संबलपुर के थे, संबलपुर सुरेंद्र शाह। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो स्वतंत्रता के संग्रामी के जो सुरेंद्र शाह थे, आपका संबलपुर के जमींदार थे। जो सुरेंद्र शाह का जन्म 23 जनवरी 1809 में खिंदा गांव में हुआ था। हाँ इसका बताइए, 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? जय स्तंभ चौक। चलिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेज दिए थे? रायपुर नरेश, कांकेर नरेश, फिंगेसर नरेश या फिर आपका शक्ति नरेश? तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, कांकेर नरेश। 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन किस स्वतंत्र संग्राम में था, बताइए। चलिए मैं आज आप लोग को टोटल 40 MCQ करा रहा हूँ, जो 10 MCQ है कल के वीडियो में जोड़ दूंगा, ठीक है, ऐड कर दूंगा। क्या आएगा इसको छोड़ दो। मध्य प्रांत की नींव कब बनी थी? मध्य प्रांत कब बनी थी? 1867, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी नियुक्ति की गई थी? हाँ किसने नियुक्ति की थी? हैप्टन ने। कमेंट करो इसका क्या आएगा। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण सत्र किसके शासनकाल को माना जाता है? कमेंट करके बताओ। आपका आंसर गलत हो गया, सही हो उसे कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बिल्कुल सही है, वहां से हुए तो बाला कर दूंगा। 1947 में स्वतंत्रता के समय किसका हिस्सा था? हैं, सेंट्रल बी या सीडी? हाँ पोलिंग बूट करो, क्या आएगा, क्या है स्वतंत्रता के समय? हाँ ठीक है, ए बिल्कुल राइट, इसको छोड़ दीजिए। ये बताइएगा कमेंट करके क्या है, अंग्रेजी शासन के रायपुर जिला, एक मिनट ना, जिला नियंत्रण के नीचे कौन सी रियासत नहीं थी? बस्तर कांग्रेस के खैरागढ़ कवर्धा। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्या है आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ के कितने विभूतियों ने अंग्रेजों की उपाधियों को परित्याग किया था? कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, 4, 6 या 8, फटाफट कमेंट करके स्टार्ट बताइएगा। और कल से आपका आधुनिक का इतिहास रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपको तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके